नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक में से एक नया लेसन सीखेंगे जिसका नाम है दुख का अधिकार। बच्चों, इस पाठ के लेखक है यशपाल। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। इन्होंने 7 बार विदेश यात्राएं भी की थी तथा इन्हें अनेक उपाधियों तथा पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। ये रहे हमारे लेखक और उनकी जानकारी, उनका परिचय। अब ये दुख का अधिकार, इस पाठ का थोड़ा सा परिचय हम लेते हैं और फिर इस पाठ को सीखने के लिए चलते हैं। ये जो प्रस्तुत कहानी है दुख का अधिकार, इस पाठ में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए बताते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता, गरीबों की मजबूरी को भी यहाँ पर पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब विवश हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न उनके पास समय है। तो चलो बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ते हैं और इस पाठ के पहला जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है वो है पोशाक से जुड़ी लेखक की समस्याएं। यानी यहाँ पर यशपाल जी ने पोशाक से जुड़ी समस्याओं को पहले इसमें व्यक्त किया गया है पाठ के पैराग्राफ में। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। लेखक का मानना है कि पोशाक ही समाज को अलग अलग वर्गों में बांटती है। यह पोशाक मनुष्य के दिल दिमाग में इस कदर छाई रहती है कि चाहते हुए भी एक अमीर व्यक्ति किसी गरीब असहाय व्यक्ति के निकट जाकर उससे आत्मीय संबंध नहीं बना पाता, उसके दुख को नहीं जान पाता। पता है क्यों? क्योंकि पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है, हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। कौन? ये पोशाक। और कई खुले दरवाजे को बंद भी कर देती है। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हम उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता हमें चलता है, लेकिन मनुष्य का सामाजिक दर्जा और आर्थिक स्थिति उसके पोशाक से कैसे तय की जाती है, यह कहाँ तक उचित है? किसी व्यक्ति के पोशाक से उसका सामाजिक दर्जा और उसकी आर्थिक स्थिति निर्धारित करने से अच्छा है कि उस व्यक्ति के अंदर मानवीय गुणों की स्थिति कैसी है, उसमें सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति कैसा है, अर्थात मनुष्य के मन में व्याप्त दया, प्रेम, सहयोग, उदारता जैसे गुणों से समाज हित कार्य से सामाजिक दर्जा निश्चित होना चाहिए। क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धन और अच्छी पोशाक के बदले मानवीय संबंधों को ज्यादा महत्व देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने पोशाक के बारे में बताया गया है कि ये पोशाक जो है ये मनुष्य को अलग अलग श्रेणियों में यानी अलग अलग वर्गों में बांटती है। जैसे कि पोशाक से ही हम पता चल जाता है कि आदमी अमीर है या गरीब है, उसका दर्जा हम उसी तरह से तय कर जाते हैं। लेकिन क्या ये उचित है? यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कोई अच्छा कपड़े पहनने वाला आदमी हमेशा अमीर ही हो सकता है और कोई सामान्य यानी कि बुरे कपड़े या फटे हुए कपड़े या साधारण से कपड़े पहने हुआ आदमी हमेशा गरीब हो सकता है, लाचार हो सकता है? तो यहाँ पर यही लेखक समझाना चाहते हैं कि कुछ अमीर लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जो
अच्छे कपड़ों को और संपत्ति को इतना महत्व नहीं देते हैं जितना वो मनुष्यता को महत्व देते हैं। मनुष्य को बहुत चाहते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उससे संबंध बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये पोशाक जो है इस समाज ने, हमारे देश में इस समाज ने इस पोशाक को इतना बड़प्पन दिया गया है कि पोशाक से ही हम व्यक्ति की पहचान करते हैं। यहाँ पर लेखक ने हमें ये भी बताया है कि मनुष्य की पहचान जो है वो कैसी होनी चाहिए, सामाजिक पहचान जो है वो उसके कार्य से होनी चाहिए, उसके सामाजिक कार्य वो कितना अच्छी तरह से कर रहा है तथा उसमें लोगों के प्रति दया, प्रेम, सहयोग और उदारता की भावना जो मनुष्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये अगर जिस व्यक्ति में है वही व्यक्ति सबसे अमीर हो सकता है। तो यहाँ पर कहने के लिए तो पोशाक, लेखक पोशाक को महत्व न देकर व्यक्ति के अंतर्गत गुणों को महत्व देना चाहता है। ये रहा हमारा पहला पॉइंट इस पाठ का। अब यहाँ पर लेखक ने दुख का अधिकार इस पाठ में जिस बुढ़िया का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, उल्लेख किया गया है, उस बुढ़िया की कहानी के बारे में अब हम देखते हैं कि बुढ़िया के दुख का कारण और लोगों की उसके प्रति प्रतिक्रिया किस तरह से है। देखो, बुढ़िया के परिवार में उसका बेटा भगवाना, बहू तथा पोता पोती थी। भगवाना शहर के पास लगभग 1.5 बीघे जमीन में खरबूजे की खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन भगवाना खेत में पके खरबूजे तोड़ रहा था, तभी मेड़ की नमी में छिपी सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब इस बेटे को बचाने के लिए इस माँ ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन वो डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई, वह झाड़ फूक इस तरह से वो काम करती रही, उसके ऊपर इलाज करती रही और उसी में ही बेटे की मृत्यु हो गई। अब इस बेटे के पश्चात, यानी बेटे के मरने के बाद, बुढ़िया के घर में परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। बच्चे भूखे भूख से बिलबिला रहे थे, बहू बुखार से तप रही थी। बेटे के मृत्यु के पश्चात बुढ़िया को कोई उधार भी नहीं देता, क्योंकि उन्हें पैसे वापस न मिलने की आशंका थी। देखो, यहाँ पर भी उस बुढ़िया को एक गरीब है, जिसके घर में कमाने वाला जो एक लौता उसका बेटा था भगवाना, वो उसके मृत्यु के बाद उस बुढ़िया को मदद करने के लिए कोई भी समाज का व्यक्ति तैयार नहीं था, उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि बुढ़िया के घर में अब कमाने वाला कोई नहीं, तो अगर हम उसे उधार देंगे तो वो उधार चुकता करने वाला भी हम नहीं है और हमें ऐसे ही पैसे हमारे चले जाएंगे, पैसे यूं ही चले जाएंगे, इसीलिए उस गरीब को किसी ने सहायता नहीं की। बुढ़िया बेटे के मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने बैठ गई। अब बेचारी करती भी क्या, घर में अगर पोता पोती भूख से बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत ज्वर से तप रही है और बुढ़िया के पास अब केवल एक ही पर्याय बचा हुआ था कि खरबूजे लेकर बाजार में उसे बेचने के लिए बैठना और उससे मिलने वाले पैसे से घर में रोजी रोटी का इंतजाम करना। बेटे की 13वीं संपन्न किए बिना ही बुढ़िया इस तरह बाजार में आ बैठना वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा। लोग उसके बारे में घृणायुक्त नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे। कुछ लोग उसे बेहया, कुछ लोग उसे लालची मान रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसके घर में सूतक है और यह खरबूजे बेचकर लोगों का ईमान धर्म खराब कर रही है। बाजार के लोगों ने बुढ़िया को पत्थर दिल, ममताहीन समझा, लेकिन वे उसकी मजबूरी को नहीं समझ सके कि उसने ऐसा किस लिए किया। देखो बच्चों, यहाँ पर बुढ़िया के
बुढ़िया को तो लोगों ने सहायता नहीं की, लेकिन बुढ़िया खुद अपनी मेहनत से कुछ कमाने के लिए गई तो लोगों ने उसे किस तरह से उसे घृणात्मक बातें की, उसे किस तरह से उसके ऊपर टिप्पणियां की और उसे कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, ये सब लेखक वहां पर बाजार में ये सब सुन रहा था और उसे पता चला कि बुढ़िया के दुख का कारण क्या है। तो यहाँ पर 13वीं संपन्न भी नहीं हुई, यानी बुढ़िया के गर्भ में उसके बेटे का सुतक पूरा नहीं हुआ था और इसीलिए लोगों को ऐसे लगने लगा कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करेगी, जो भी उसके पास से खरबूजे खरीदेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे भाई, समाज में अगर लोगों को इतनी ही चिंता है अपने धर्म को भ्रष्ट करने की तो क्यों नहीं उसकी मदद करते, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर गरीबों के ऊपर, जैसे हमने पढ़ा था कि गरीबों को ना दुख मनाने का अवसर मिलता है और ना ही अधिकार होता है, तो यहाँ पर हमें यही दिखाई देता है कि समाज किस प्रकार के लोग रहते हैं इस समाज में। तो ये नहीं, यहाँ पर हमारी एक बात की बुढ़िया के दुख का हमने पता करवाया। अब यहाँ पर बुढ़िया का जो दुख लेखक ने जब जान लिया, तब उसे उसके पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला की याद आ गई और उसने उसके साथ इस बुढ़िया की तुलना की। अब देखते हैं कि उस संभ्रांत महिला की तुलना बुढ़िया से करते हुए उसने क्या कहा है। लेखक ने बुढ़िया को बाजार में रोते हुए देखा, वह उसके रोने का कारण जानने के बाद दुखी हो गया। उसे बुढ़िया के दुख के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन वह अच्छी पोशाक पहने हुए था और समाज के उच्च वर्ग से संबंधित होने के कारण बुढ़िया के पास जाकर सांत्वना नहीं कर पा रहा था। बुढ़िया की आर्थिक स्थिति को जाने बिना लोगों का इस तरह उसे दुत्कारना लेखक को अच्छा न लगा। बुढ़िया के पुत्र का दुख मनाने का तरीका, बुढ़िया के पुत्र का दुख मनाने का तरीका और लोगों का उसके प्रति घृणात्मक बातें करते देख लेखक को अपने पड़ोस की अमीर महिला की याद आ गई। संभ्रांत महिला यानी अमीर घर की महिला की याद आ गई, जिसका दुख भी बुढ़िया के जैसा ही था। अर्थात जिस तरह से बुढ़िया का जवान बेटा मर गया था, उसी तरह से लेखक के पड़ोस में रहने वाली उस संभ्रांत महिला के भी साथ यही हुआ था कि उसी तरह भगवान के ही उम्र का उसका बेटा जब मर गया था, तब किस तरह से उस माँ की हालत हुई थी संभ्रांत महिला की। मगर वह अपने पुत्र वियोग पर 2.5 मास तक पलंग से न उठती थी। 15-15 मिनट पर वह बेहोश हो जाती, पूरा शहर उसके दुख में डूबा हुआ था। और इधर बूढ़ी स्त्री है जिसके दुख को समाज समझ ही नहीं पा रहा है। तो देखो, एक संभ्रांत महिला यानी बड़े घर की वो औरत थी और उसका दुख उसका जवान बेटा मरने के बाद दूर दूर के रिश्तेदार, दूर दूर के गांव के लोगों को खबर मिलते ही लोग उसके घर सांत्वना करने आए थे। पूरा गांव, पूरे आसपास के लोग दुखी हुए थे, लेकिन यहाँ पर बुढ़िया एक गरीब थी, लेकिन उस बुढ़िया के दुख के लिए सांत्वना करने के लिए उसके आस पड़ोस के लोग भी नहीं आए थे और ना ही उसे कुछ मदद देने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर इस तरह से समाज में अमीर और गरीब की जो विषमता दिखाई गई है, वो इस तरह से लेखक को देखने के बाद उसे झट से उस संभ्रांत महिला की याद आई कि कितना फर्क है। और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि अमीर और गरीबों में इतना लोग फर्क करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो पाठ है इस कहानी में, इस बुढ़िया के दुख को समझने के बाद लेखक के दृष्टि से भी दुख का अधिकार किसे और किसे नहीं होना चाहिए, यानी अधिकार दुख मनाने का अधिकार किसे होना चाहिए और किसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लेखक ने अंत में हमें बताया है।
तो देखते हैं कि लेखक यहाँ पर दुख मनाने का अधिकार किसे है यह समझा रहे हैं। लेखक ने जिस प्रकार पोशाक से समाज में व्याप्त उस नीच का वर्णन किया है, उससे दुख व्यक्त करने के अलग अलग मापदंड भी उजागर हुए हैं। लेखक कहते हैं कि दुख का अधिकार श्रेणी के अनुसार होता है। अमीर को दुख प्रकट करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि समाज में उसका सम्मान और धन होने के कारण उसे अपने परिवार के पेट की चिंता नहीं है, बल्कि पूरा समाज उनके दुख में सम्मिलित होता है। यदि गरीब अपने दुख को प्रकट करना चाहे तो वह उसी समाज की घृणा का पात्र बनता है। दुख मनाने का अधिकार केवल अमीरों को है, निर्धनों को नहीं, क्योंकि वे अभावग्रस्त हैं और समाज उन्हें कुछ नहीं दे सकता। दुख आराम या सुविधा की मांग करता है और जिसके पास यह सब कुछ है उसे दुख मनाने का भी अधिकार है, और जिसके पास ये कुछ नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, आराम के लिए कुछ साधन नहीं है, ऐसा व्यक्ति समाज में दुख नहीं मना सकता। तो प्रस्तुत कहानी जो यहाँ पर दी गई है, ये समाज की इसी विसंगति का अत्यंत मार्मिक चित्रण कर रही है। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर उस बुढ़िया को दुख मनाने का अधिकार समाज ने नहीं दिया, क्योंकि बुढ़िया गरीब थी और गरीब को हम यहाँ समाज ने दुख मनाने का अवसर नहीं दिया है। तो यहाँ पर जैसे बताया है कि आराम या सुख सुविधाओं की सुविधाएं जिसके पास है उसी को दुख मनाने का अधिकार है, यानी कि जिसके पास ढेर सारा पैसा है, जो अपना काम काज बंद कर 13 दिन क्या 2.5 मास तक घर में बैठकर बिना किसी के सामने हाथ फैलाएं, अगर अपने परिवार का गुजारा कर सकता है, पेट भर सकता है, ऐसा ही व्यक्ति इस समाज में दुख मनाने का अधिकार भी हासिल कर सकता है। लेकिन बच्चों, हमारे समाज में, हमारे भारत देश में ऐसे कई लोग हैं जो गरीबों में सोले जाते हैं, जो अपने पास इतना सारा ढेर सारा पैसा जमा नहीं कर सकते, और ऐसे लोग अपने घर में कभी दुख मना नहीं सकते, क्योंकि उन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण उन लोगों को दुख न मनाने का अधिकार समाज ठुकराता है। तो ये रही यहाँ पर समाज में बताई गई ये बहुत ही बड़ी विसंगति है, असमानता यहाँ पर दिखाई गई है, जिसे लेखक को बहुत ही दुख होता है, और इसीलिए उसने यह आखिर में बताया है कि दुख का अधिकार मनाने का केवल अमीरों को ही अधिकार है, गरीबों को नहीं। बच्चों, यह पाठ बहुत ही सुंदर है। अगर आप इस पाठ को बड़े लगन से पढ़ोगे तो आप इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे, आपके मर्म को छू जाएगा ये पाठ, और इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको भी शायद यह बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि दुख मनाने का अधिकार केवल अमीरों को हो, गरीबों को नहीं। तो बच्चों, यही पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।